नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में भाजपा ने भवरनाथ स्थित अपने चुनाव कार्यालय का हवन पूजन के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी व सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र सहजानंद राय जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि उनको यह कार्यालय 12 महीने 24 घंटे व 30 दिन में खुला रहेगा। सांसद निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यह 3 दिन वाला कार्यालय नहीं है, वे लोग केवल 3 दिन वाले नेता है, पर हम 2019 में आए कार्यालय खोले हार गए, लेकिन भागे नहीं, यही रहे, जनता की सेवा किए और 2022 में जीत हासिल कर यही रहे। मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने यहां काम किया, लेकिन अखिलेश यादव जीते काम नहीं किए, 4 साल में छोड़कर भाग गए। हमने यूनिवर्सिटी, संगीत महाविद्यालय, एयरपोर्ट, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिंग रोड आदि पर काम किए। जो धरती से जुड़कर काम करता है वह धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी होता है। हवा में उड़ने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। सपा प्रत्याशी के लाखों के जीतने के दावे पर भाजपा प्रत्याशी सांसद निरहुआ ने कहा कि इस बार वे लाखों से हारेंगे। 30 दिन नेता से आजमगढ़ जीत नहीं पाएंगे। माफिया मुख्तार की मौत के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि आरोप कोई लगा सकता है, लेकिन जब जांच होगी तो असलियत सामने आएगी। यही कहेंगे भैया कि ये जो कार्यालय देख रहे हैं आप, ये 2400 घंटा 300 दिन 12 महीना पूरे साल ये कार्यालय रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आए, कार्यालय खोले, चुनाव लड़े, हारे चाहे जीते भाग जाए, हम वो लोग नहीं हैं। हम लोग पूरा टाइम यही रहते हैं। ये जो आज पूजा पाठ हुआ है वो चुनाव के लिए हुआ है, बाकी ये कार्यालय तो हमेशा रहता है। जहाँ आप इशारा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हम भी अब यही रहेंगे, हमारे भी मकान बन गया है। और 3 दिन रहेंगे, 3 दिन वाले नेता है ना, 3 दिन वो लोग नहीं, वो लोग खाली 3 दिन वाले हैं। ये राम भक्त हैं जाने वाले, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं वो जमीनी लोग हैं, जमीन पर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, काम करते हैं। हार जीत अलग जगह होती है, हम लोग हारे थे 19 में, लेकिन भागे नहीं थे, यहीं रहे, जनता की बात सुनते रहे। 22 में जीते तो भी यहीं रहे और आगे भी जीत रहे हैं और यहीं रह के जनता का काम करेंगे। आपने एक बयान दिया है कि आप धरती तो पुत्र मुलायम सिंह के असली उत्तराधिकारी हैं, इसका क्या मामला है? इसका मामला ये है कि पहले नेताजी ने यहाँ अच्छा काम किया आजमगढ़ में, उसके बाद जनता ने अखिलेश यादव जी को मौका दिया, लेकिन वो काम न करके 4 साल में छोड़ के भाग गए। तो नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो हम लोग हैं जो उस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ रिंग रोड बनवा रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए नया हवाई अड्डा जो है वो शुरू हुआ है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, बन के शुरू हो गया, यहाँ संगीत विद्यालय बन रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो धरती पे काम करता है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 22 में बसपा और भाजपा का गठबंधन हो गया था, हम मामूली हद से हार गए, इस बार तो हम लाखों से जीत रहे हैं। इस बार वो लाखों से हारेंगे क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी 3 दिन के लिए आए थे और 300 दिन रहने वाला नेता से 3 दिन आ नेता नहीं लड़ पाएगा आजमगढ़ में। मुख्तार अंसारी की मौत पे बड़ा सियासत गरमा गई है, जांच की मांग हो रही है। बिल्कुल जांच हो, सरकार ने मरवा दिया ये कहा जा रहा है। उसकी जांच होगी और अपने आप सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आरोप लगाना किसी को भी है कि आरोप लगा सकता है, पर जब जांच होगी तो असलियत सामने आएगी। आप एक गाजीपुर से हैं तो क्या गरीबों का मसीहा उनको माना जा सकता है जैसा जो कहा जा रहा है? अब वो तो आप बोल सकते हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? मुख्तार अंसारी जी की। मैं क्या कह सकता हूँ, जिसके बारे में कानून कहेगा, जिसके बारे में कोर्ट तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है या नहीं किया है, सजा भोग रहा है, तो ये कानून तय करेगा, हम कौन होते हैं बोलने वाले। चलिए, कस्टोडियल डेथ जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? वो अगर आपको मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी विषय पे अगर किसी को कोई शक है, कोई डाउट है, तो उसकी जांच करा लीजिए, जांच करा के और मामला सामने आ जाएगा। ठीक है सर, जी जी, धन्यवाद।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।